हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें इरेशनलिटी ही प्रूव करनी है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट है जो वो है प्रूव दैट 3+2√5 इज इरेशनल। तो हमें ये प्रूव करना है कि 3+2√5 एक इरेशनल नंबर है। यहां पे फिर वही सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, हम मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से इसको प्रूव करेंगे और हम इसको क्या करते हैं रैशनल नंबर मान लेते हैं। यहां पे अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट 3+2√5 इज रैशनल या फिर इज ए रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसको लिख सकते हैं सो 3+2√5 दैट इट कैन बी रिटन एज पी डिवाइड बाय क्यू। हम पी डिवाइड बाय क्यू की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। यहां पे हमारे पास क्या है कि पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास डेफिनेशन है रैशनल नंबर। अब यहां पे हमने क्या किया कि 2√5 इस 3 को हम इधर ले पी डिवाइड बाई क्यू माइनस 3, तो ये 3 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा। हम एक्चुअल में क्या करेंगे, जो हमारे पास रूट वाली टर्म है उसको हम यहाँ लेफ्ट साइड में रखेंगे और बाकी की जो भी है उसके साथ लगी हुई जितने भी एसोसिएटेड टर्म है उन सभी को हम इधर ले आएंगे। अब यहां से अगर इसका हम एलसीएम ले तो 2√5 इट बिकम्स, यहाँ पे हमारे पास क्यू ये हो जाएगा पी माइनस 3 क्यू और यहां से 5√ हमारे पास हो जाएगा पी माइनस 3 क्यू डिवाइड बाई 2। तो ये 2 यहां पे आ जाएगा और ये क्या हो हमारे पास यहां पे पहले ही था। रिपीट कर रहे हैं, आपको क्या करना है इस तरह के क्वेश्चंस में, आपको रूट की जो टर्म है इधर लेफ्ट साइड में रखेंगे बाकी सारे पार्ट को इधर ले आएंगे। तो हमारे पास आया 5 दैट इज इक्वल टू पी माइनस 3 क्यू डिवाइड बाई 2 क्यू, तो 2 यहां पे इसके डिवाइड में आ गया तो ये 2 क्यू होगा। अब आप देखेंगे सिंस पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, सिंस पी एंड क्यू आर इंटीजर्स सो पी माइनस 3 क्यू एंड 2 क्यू आर ऑल्सो इंटीजर्स। अब अगर p इंटीजर है क्या इंटीजर है तो किसी इंटीजर की अगर हम माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी इंटीजर आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी इंटीजर आएगा, 2 इंटीजर्स को हम माइनस करेंगे तो भी हमें इंटीजर मिलेगा, किसी इंटीजर की किसी दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इंटीजर मिलेगा। इसका मीनिंग ये भी हमारे पास इंटीजर है और ये भी हमारे पास इंटीजर है। क्यू 0 नहीं है तो 2 क्यू भी 0 नहीं है। अब देखो ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, दिस इंप्लाइज हमारे पास क्या आ जाएगा कि p माइनस 3 क्यू डिवाइड बाई 2 क्यू। अब देखो ये न्यूमरेटर में भी इंटीजर डिनोमिनेटर में भी इंटीजर और ये हमारा डिनोमिनेटर पार्ट 0 नहीं है क्लियरली, क्योंकि क्यू 0 नहीं है तो 2 क्यू भी 0 नहीं होगा। तो इसलिए हमारे पास जो p माइनस 3 क्यू डिवाइड बाई 2 क्यू है इज अ रैशनल नंबर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा रैशनल नंबर हो जाएगा, तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर हो जाएगा। बट p माइनस 3 क्यू डिवाइड बाय 2 क्यू दैट इज इक्वल टू, लेकिन ये तो किसके इक्वल है √5 के, सो √5 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। तो इट मीन्स क्योंकि ये रैशनल नंबर है और ये इसके इक्वल है √5 के,
तो इसका मतलब रूट फाइव भी रैशनल नंबर है, बट वी नो दैट रूट फाइव इज नॉट अ रैशनल नंबर, विच इज हम लिखेंगे कि विच इज नॉट पॉसिबल लिख दिया तो आप, या फिर विच इज नॉट ट्रू एज रूट फाइव इज एन इज इरेशनल, रूट फाइव इज इरेशनल, तो जो रूट फाइव है वो इरेशनल है। यहां से हम पहुंचे कि रूट फाइव रैशनल नंबर है, उसके बाद हमने लिखा कि विच इज नॉट ट्रू, क्यों ट्रू नहीं है, क्योंकि रूट फाइव इरेशनल नंबर है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव कर चुके हैं। जब भी आपके पास इस तरह की क्वेश्चन है तो रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव तक उस क्वेश्चन को ले जाए और फिर वो आप उसको नॉट ट्रू दिखा दें। सो आवर अजम्पशन दैट थ्री प्लस टू रूट फाइव इज ए रैशनल नंबर इज रोंग, इट मीन्स कि जो थ्री प्लस टू रूट फाइव को हमने रैशनल नंबर माना था वो हमारी अजम्पशन है वो रोंग है, हेंस थ्री प्लस टू रूट फाइव इज इरेशनल। तो जो थ्री प्लस रूट फाइव है वो कैसा है, इरेशनल है। तो यहां पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो कंप्लीट हो जाता है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जिसमें रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव या रूट सेवन को हमें इरेशनल प्रूव करना है वो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। यहां पर सिर्फ आपको रूट की फॉर्म में क्वेश्चन को लाके इसको कहेंगे कि ये हमारा रैशनल है क्योंकि ये इसके इक्वल है, तो ये भी रैशनल हुआ, बट ये तो रैशनल नहीं है, जो कि इट मीन्स ये ट्रू नहीं है। इस वजह से हमने जो अजम्प्ट किया है, जो हमने सोचा है, इसका मतलब वो गलत है। इट मीन्स जो थ्री प्लस टू रूट फाइव है जो भी नंबर है वो कैसा है, इरेशनल नंबर है। तो यहां पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है वो कंप्लीट हो जाता है। पहले बच्चों ठीक इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यहां पे कहा गया है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स, ये जो फॉलोइंग नंबर्स हैं वो कैसे नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें इसमें हमारे पास क्या दिया है, वन डिवाइड बाय रूट टू, तो फिर वही हम कंट्राडिक्शन के मेथड से चलेंगे। तो हम क्या मानते हैं कि लेट वन डिवाइड बाय रूट टू इज रैशनल या इज ए रैशनल नंबर, इज ए रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है देन इट कैन बी रिटन एज, सो इट कैन बी रिटन एज वन डिवाइड बाय रूट टू दैट इज इक्वल टू पी डिवाइड बाय क्यू, यहां पे वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्या इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखो आपको करना क्या है, रूट की टर्म तो लेफ्ट साइड में रखेंगे, बाकी सारी जो टर्म है वो राइट साइड में ले जाएंगे। अब देखो ये तो वन डिवाइड बाय रूट टू है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगा, वन बाय रूट टू का रेसिप्रोकल तो टू हो जाएगा, रूट टू डिवाइड बाय वन, और इधर इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या डिवाइड बाय पी, तो इसको हम लिख सकते हैं कि रूट टू दैट इज इक्वल टू क्या डिवाइड बाय पी। अब आप देखेंगे कि p इंटीजर है, क्या इंटीजर है, सिंस p एंड क्यू आर इंटीजर्स, p एंड क्यू आर इंटीजर्स, सो क्यू डिवाइड बाय p इज रैशनल, इट मीन्स क्यू डिवाइड बाय p रैशनल है, बट क्यू डिवाइड बाय p इज इक्वल टू रूट टू, इट मीन्स दैट रूट टू इज ऑल्सो रैशनल, इट मीन्स ये भी रैशनल है, विच इज नॉट ट्रू जो कि ट्रू नहीं है, बिकॉज रूट टू
इज इरेशनल बिकॉज रूट टू इज इरेशनल सो आवर अजम्पशन दैट 1 डिवाइड बाय रूट टू इज अ रैशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर इज रोंग ये रोंग है हेंस 1 डिवाइड बाय रूट टू इज इरेशनल तो ये हमारे पास हो जाते हैं इरेशनल तो यहां पे हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन इसमें नहीं है अगर हम बात करें पार्ट सेकंड की सेम ही चलेगा तो ज्यादा से इसमें डिफरेंस नहीं आएगा पार्ट सेकंड की अगर हम बात करें तो देखते हैं यहां पे पार्ट सेकंड में हमें क्या मिलेगा पार्ट सेकंड की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो नंबर है वो है 7√5 तो हम लिख लेते हैं कि लेट 7√5 इज ए रैशनल नंबर तो अगर ये रैशनल नंबर है देन इट कैन बी रिटन एज 7√5 दैट इज इक्वल टू पी डिवाइड बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 तो हमें क्या करना है इधर सिर्फ √5 रखना है रूट वाले टर्म इधर रखनी है तो √5 दैट इज इक्वल टू पी डिवाइड बाई 7 क्यू ये हमने ले दिया अब आप देखेंगे कि इधर रूट में रह गया तो इस साइड के बात करेंगे कि हम लिखेंगे कि सिंस पी एंड क्यू आर इंटीजर्स सो 7 क्यू इज आल्सो इंटीजर बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर इज अगेन एन इंटीजर दिस इंप्लाइज p डिवाइड बाय 7 क्यू इज अ रैशनल नंबर इट मीन्स p डिवाइड बाय 7 क्यू इज अ रैशनल नंबर तो अगर ये रैशनल नंबर है और ये इसके इक्वल है बट p डिवाइड बाय 7 क्यू इज इक्वल टू √5 सो √5 इज ऑल्सो रैशनल नंबर which is not true because √5 is irrational because √5 is irrational so our assumption is wrong that क्या हमने माना था 7√5 is a rational number means हमने जो assumption की थी कि 7√5 एक रैशनल नंबर है वो रोंग है सो 7√5 इज इरेशनल तो ये हमारे पास क्या हो गया इरेशनल तो ये हमारे पास पार्ट सेकंड हो गया ठीक इसी तरह से हमारे पास जो पार्ट थर्ड है तो अगर पार्ट थर्ड की भी हम बात कर लें एक बार तो यहां पे पार्ट थर्ड में अगर हम देखें तो पार्ट थर्ड में हमारे पास है कोई ज्यादा सा चेंज नहीं आएगा पार्ट थर्ड में हम लिख लेते हैं कि लेट 6√2 इज अ रैशनल नंबर तो अगर ये रैशनल नंबर है हम लिख सकते हैं 6√2 दैट इज इक्वल टू पी डिवाइड बाय क्यू वेयर पी एंड क्यू आर द इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 अब देखो √2 हम यहीं पे छोड़ देते हैं तो ये p डिवाइड बाय क्यू माइनस 6 हो जाएगा इसका एलसीएम ले लेंगे √2 यहां पे क्या हुआ जाएगा ये हमारे पास p माइनस 6 क्या हो जाएगा अब हम लिख देंगे कि सिंस p एंड क्यू आर इंटीजर्स
पी एन क्या हुआ इंटीजर, सो पी माइनस सिक्स क्या हुआ इज ऑल्सो एन इंटीजर, पी और क्या इंटीजर्स है तो सिक्स से क्या की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इंटीजर बनेगा, इंटीजर में से इंटीजर माइनस करेंगे तो भी इंटीजर बनेगा। दिस इंप्लाइज p माइनस सिक्स क्यू डिवाइड बाय क्यू इज अ रैशनल नंबर, तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर हो जाएगा। बट p माइनस सिक्स क्यू डिवाइड बाय क्यू इज इक्वल टू रूट टू, सो रूट टू इज ऑल्सो रैशनल नंबर विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू। सो आवर अजम्पशन दैट सिक्स प्लस रूट टू इज रैशनल इज रॉन्ग, हेंस सिक्स प्लस रूट टू इज इरेशनल, तो सिक्स प्लस रूट टू क्या होगा इरेशनल होगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट थर्ड कंप्लीट हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां पे हमारा जो क्वेश्चन थर्ड है वो कंप्लीट हो जाता है, और क्वेश्चन नंबर थर्ड के साथ साथ यहाँ पे एक्सरसाइज 1.3 भी 1.3 भी कंप्लीट हो जाती है। एक्सरसाइज 1.3 की अगर क्वेश्चन की बात करें तो एक ही टाइप के क्वेश्चन है, और या फिर आप ज्यादा से ज्यादा कह सकते हो कि टू टाइप्स के क्वेश्चन है, एक तो जिसमें हमें रूट टू रूट थ्री रूट फाइव रूट सेवन इसको इरेशनल नंबर प्रूव करना है, एक टाइप थोड़ा लेंथी होगा ये, और बाकी इन इस रिजल्ट को यूज करके रूट टू रूट थ्री रूट फाइव या रूट सेवन इरेशनल नंबर है, इस रिजल्ट को यूज करके बाकी तरह की जो इस तरह की जो टर्म्स है इनको इरेशनल प्रूव करना है। तो दो ही तरह से आपके पास क्वेश्चन है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।